हेलो दोस्तों, 4G तो हम सभी यूज़ कर रहे हैं और कुछ सालों में 5G भी आने वाला है, पर नॉर्मल 4G LTE के ऊपर एक 4G प्लस या 4G एडवांस भी है जो कैरियर एग्रीगेशन और माइमो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाता है, और हमें 4G में 1 गीगाबिट तक की स्पीड मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी 4G प्लस यानी 4G LTE एडवांस के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आंसू और आपका मेरे इस टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि टावर से सिग्नल हमारे फ़ोन में आती है और टावर में ट्रांसमीटर लगा होता है जो सिग्नल सेंड करता है और हमारे फ़ोन की एंटीना उसे रिसीव करती है। इसे सीसो यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट कहते हैं। इसमें स्पीड स्लो होती है, पर आजकल ज़्यादा स्पीड के लिए माइमो यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का यूज़ किया जाता है। इसमें एक एंटीना के बदले टावर में 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसमीटर लगे होते हैं और फ़ोन में भी 2 या 2 से ज़्यादा एंटीना या रिसीवर होते हैं। इसे 2x2 माइमो कहते हैं। इस तरह से मल्टीपल स्ट्रीम से इंटरनेट की स्पीड माइमो से इंक्रीज हो जाती है। माइमो टेक्नोलॉजी को वाईफाई या 4G वगैरह सब के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा 3x3 माइमो 4x4 माइमो भी होते हैं, जिसमें 4 ट्रांसमीटर टावर पर लगे होते हैं और 4 रिसीवर फ़ोन पर। तो 4x4 माइमो स्पीड और ज़्यादा इंप्रूव करती है। इसके अलावा मल्टी यूज़र माइमो यानी MU माइमो भी होती है, जो राउटर सब में यूज़ किया जाता है, जिससे सभी डिवाइसेस को एक साथ फास्ट डाटा एक्सेस मिलती है नॉर्मल राउटर के मुकाबले। इसके बाद आता है मैसिव माइमो। ये क्राउडेड एरिया के लिए यूज़ की जाती है। इसमें 2-4 एंटीना की जगह 100 एंटीना तक यूज़ किया जा सकता है, जिसे क्राउडेड एरिया जैसे कॉन्सर्ट में या क्रिकेट स्टेडियम में यूज़ किया जाता है, जिसमें भीड़ में सभी लोगों को फास्ट इंटरनेट एक्सेस मिले। IPL अभी हो रहा है और कई स्टेडियम जैसे वानखेड़े स्टेडियम सब में एयरटेल जियो सब मैसिव माइमो यूज़ कर रहा है, जहां इतनी भीड़ होने के बाद भी आपका नेट स्लो नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से माइमो का यूज़ करके 4G स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा माइमो में मल्टीप्लेक्सिंग और बीम फॉर्मिंग का भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सीधे सिग्नल ट्रांसमिट होती है, तो सिग्नल का लॉस नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी माइमो। 2x2 माइमो सभी का 4G मोबाइल में सपोर्ट करता है, जिसमें कैटेगरी 4 LTE है, और 4x4 माइमो फ्लैगशिप फोन में सपोर्ट करता है, जैसे लेटेस्ट वन प्लस में आपने सुना होगा कि इसमें 4x4 माइमो का सपोर्ट है, जिसमें LTE कैटेगरी 16 है। और दोस्तों, 4G प्लस या 4G एडवांस सिर्फ माइमो से ही नहीं होती, इसके साथ कैरियर एग्रीगेशन भी किया जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया में मेनली 4G के 3 बैंड्स हैं। बैंड 3 में 1800 MHz, बैंड 5 में 850 MHz, और बैंड 3 और 5 की स्पीड बहुत कम होती है, पर इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है और हर जगह आपको अच्छी सिग्नल मिल जाएगी। और वहीं बैंड 40 यानी 2300 MHz में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पर इसमें रेंज बहुत कम होती है। तो आपके मोबाइल में एक टाइम में एक ही बैंड का सिग्नल मिलता है। अगर बैंड 3 या 5 होगी तो स्पीड कम होगी, पर नेटवर्क स्ट्रेंथ अच्छी होगी। पर बैंड 40 में आपको स्पीड तो मिलेगी, पर सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होगी। तो कैरियर एग्रीगेशन में 2 या 2 से ज़्यादा बैंड को मिक्स कर दिया जाता है, मेनली 2 अलग अलग बैंड्स को, जैसे बैंड 5 और बैंड 40 को एग्रीगेट कर दिया जाए तो आपको दोनों बैंड का बेनिफिट मिलेगा। फास्ट स्पीड भी मिलेगी और दूर तक की रेंज भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से कैरियर एग्रीगेशन और माइमो टेक्नोलॉजी से 4G एडवांस में 600 Mbps तक की थियोरेटिकल स्पीड अचीव की जा सकती है, जिससे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में कहीं आपके मोबाइल में 4G के बदले 4G प्लस का साइन आ जाए तो समझ लें कि आपके मोबाइल में 4G एडवांस का सिग्नल आ रहा है, और उस टाइम आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। 4G एडवांस को यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल को भी उसे सपोर्ट करना ज़रूरी है। जैसे LTE कैटेगरी 4 की डिवाइस 2x2 माइमो को सपोर्ट करती है और उसमें कैरियर एग्रीगेट का सपोर्ट नहीं है, और उसमें मैक्सिमम स्पीड 150 Mbps डाउनलोड की मिलेगी। 4G प्लस को ठीक से सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट LTE कैटेगरी 6 डिवाइस होना चाहिए, जो 2x2 माइमो और 2 कैरियर एग्रीगेट को सपोर्ट करती है। इसमें मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 300 Mbps की मिलेगी। और नए फ्लैगशिप फोन्स में LTE कैटेगरी 16 और यहाँ तक कि 18 तक का सपोर्ट है, जो 4x4 माइमो और 4 कैरियर एग्रीगेट को सपोर्ट करती है। तो इन सभी फ़ोन में आपको 4G प्लस में सबसे ज़्यादा स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों, 4G प्लस यानी ट्रू 4G में वैसे तो थियोरेटिकल स्पीड बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी आपको प्रैक्टिकल स्पीड 50 Mbps से 150 Mbps तक मिल सकती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको 4G प्लस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।